कोई भी आप यकीन करें सियासी तौर पे नहीं आया हुआ, सब इस उसमें थे कि कोई प्रोग्राम हो फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के लिए हम उसमें इजारे यकजहती का मुजाहरा करें, हम कराची बार एसोसिएशन का साथ दें। इस सिलसिले में ये सारे साथी आए हैं, हमारा एक जज्बा है और हम जो इस टाइम पाकिस्तान का, हमारी फौज का जो रोल होना चाहिए, हमें अफसोस है कि वो नहीं है, वो नहीं है। हमें सिर्फ सियासत नहीं करनी है, खुदारा सियासत छोड़ दें, सियासत छोड़ दें, सियासत हम लोग का काम है, सियासत आप ना करें। आपको जिस काम के लिए चुना गया है खुदारा उसमें हम मुसलमान भाइयों की मदद करें। बिल्कुल ये सही बात है हफीज भाई कि हमें जिन फिरकों में उलझाया हुआ है, आप देखें कि आज जो फलस्तीन में ये जो जंग का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं कि कोई फिरका नहीं रहा, सारे फिरके ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ अगर आवाज़ बुलंद हो रही है तो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए। हम सबको यूनिटी का मुजाहरा करना है, हम सबको एक रहना है, हम सबको कराची बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, आपने इस तहरीक को लीड करना है, आप लीडिंग पोजीशन में रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हर तरह से फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम आपके साथ हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तहरीक को जिस तरह हमेशा वकला लीड करते हैं, इस तहरीक को भी आप लीड करें। इंशाल्लाह उल अजीज़ हम अपने इन सियासी मामलात से हटकर आप हमें बिल्कुल फ्रंट पे पाएंगे और हम आपके साथ होंगे। मेरी तमाम मुसलमानों के लिए ये दुआ है और मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा एक हो जाए, और मेरी अपनी फौज से दरख्वास्त है कि सियासत करना छोड़ दें। हमें ज़रूरत है, आए उस महाज पे लड़ें जहां मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।